मैं सिर्फ मुजना के बारे में सुनना चाहती हूँ। मुजना भी इसी कहानी का हिस्सा है। उसी की वजह से कीमतें शूट अप कर जाती हैं। माया प्लीज बोलो, मैं सुन रही। यहां आकर पता चला कि घर की कीमत 25 करोड़ से ज्यादा हो चुकी है और इस वजह से रिलेटिव्स के बीच में सेटलमेंट मुमकिन नहीं हो पा रही थी, इसलिए बात चाय के टेबल से निकलकर कोर्ट में चली गई। मेरे पास पैसे नहीं थे कि मैं इतने दिन होटल में रुकूं, केस लड़ूं। तब मेरी मामा से बात हुई, उन्होंने मुझे कहा कि मुझे शनाज आंटी के पास जाना चाहिए। शनाज आंटी मामा की पुरानी कॉलेज फ्रेंड थी। उन्हीं दिनों में ये बात मशहूर हो चुकी थी कि फारिस तुमसे बेपनाह मोहब्बत करता है। मैंने यूनिवर्सिटी में एडमिशन लिया, तुमसे मुलाकात हुई और पता चला कि तुम उससे मोहब्बत नहीं करते। तब से मुझे तुमसे प्यार हो गया। लेकिन प्रॉब्लम यह थी कि मुजना फारिस को चाहती थी और उसे लेकर के मुजना के घर में रोना पीटना चल रहा था। मुजना और उसकी फैमिली को हम दोनों के बारे में कुछ नहीं पता था, लेकिन तुम्हारे पापा को पता चल गया और बस उसी दिन से मेरी तबाही शुरू हो गई। तबाही मतलब? माया, तुम्हारे अब्बा नहीं चाहते थे कि मुझ जैसे टट पूंजिए के साथ तुम्हारी शादी हो, इसलिए उन्होंने मुझे एक झूठे केस में फंसा दिया और 2 साल के लिए जेल भिजवा दिया। और हद तक ये कि काम इस कदर नफासत से हुआ कि अबड़ू अंकल को भी मेरे जेल जाने की खबर तक ना हुई। झूठ! तुम जेल से मुझे खबर दे सकते थे, अपने वकील से कहते थे कि मुझे खबर करे। कहा था माया, तुम्हें कांटेक्ट करने की कोशिश की थी, तुम्हें खत भी लिखे थे। जवाब पता क्या मिला मुझे? नफरत करती है माया तुमसे।